दोस्तों जब लोग आपकी नकल करने लगे ना, तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन की 86 में। अब रुख करते हैं बिहार नहीं झारखंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बाहर जो बिहार में नहीं आई अब आपके झारखंड में आएगी, क्योंकि रघुवर दास ने, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि लगभग 50 ऐसी कंपनी है जो कि अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रही है झारखंड राज्य में। जी हाँ दोस्तों, और उससे लगभग 13,000 नई भर्तियों की बातें की जा रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन कौन सी वैकेंसी है और वो कौन कौन सी कंपनी है जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और कौन कौन से छात्र को यहाँ पे मिल सकती है नौकरियाँ, और किस किस विभाग की ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी, तो कौन कौन से सेक्टर की कंपनी आ रही है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो दोस्तों शिलान्यास हो चुका है और अब यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया है वो कब से शुरू किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इससे पहले सुबह ही मैंने एक वीडियो दिया था जो कि बिहार एलआरसी से है, और यहां पर कुछ न्यूज अपडेट किए गए थे अखबारों में जो कि पिछले न्यूज के माध्यम से कनेक्टेड था। तो बिहार से जुड़ी हर वो खबर लेकर आएंगे आपके लिए, और अब झारखंड की बारी है, इसलिए झारखंड के रिक्रूटमेंट में भी आप जितने लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाहर से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ झारखंड के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी आई है। इससे पहले कल मैंने एक यूपी की वैकेंसी के बारे में बताया है दोस्तों, जो कि वाराणसी में इसकी जॉब लोकेशन होगी, और इन सभी पोस्ट के लिए 104 और 113 विज्ञापन संख्या है, इनमें नॉन मेडिकल और मेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो देखें, अप्लाई करें, 16 अगस्त तक का टाइम है यहाँ पे। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल न्यूज पे, जो कि आज के खबर हिंदुस्तान में निकली है, और यहां बताया जा रहा है कि लगभग झारखंड में 13,000 नौकरियां लाएंगी कंपनी 50 कंपनियां। जी हां, ये कौन कौन सी वो 50 कंपनियां हैं इसके बारे में कुछ लिस्ट बताए गए हैं। इन कंपनियों के प्रमुख, जी हां, इन प्रमुख कंपनियों का होगा उद्घाटन। तो कौन कौन सी कंपनी है देख लीजिए यहां पर। पहला है कॉन्सेंट्रिक्स, दूसरा है रूट मोबाइल, यहां पे देखिए थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, निम्बस बीपीओ, डेक्कन आई सर्विसेज, आईटी साइंट, फिर इंट्रीनोम, एसएम स्पोर्ट्स, अभी आयरिस कंस्ट्रक्शन, एप डेटा टेक्नोलॉजी और लक्ष्य टेक्नोलॉजी, ओबेल टेक्नोलॉजी, स्पैरो सॉफ्ट टेक, विदुषी इंफोटेक, माइका, मैग्नम बीपीओ। इसके साथ होगा करार। जी हाँ, करार क्या होगा कि ये जो कंपनियां हैं, फाइव स्पेशलिस्ट या फिर स्पार्टा टेलीकॉम, लोटस ग्रुप, ग्लोबल शिक्षा, बेंगलुरु आईटी, तो जितनी भी कंपनियां आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और बता दें कि ये अपना नया सेटअप देने जा रही हैं अब झारखंड में, तो झारखंड के अभ्यर्थियों को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारा व्यवस्था ऑल ओवर इंडिया के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे रविशंकर प्रसाद जी को भी यहाँ पे न्योता दिया गया है। किसके लिए? तो एक वैकेंसी यहाँ पे जो निकली है बीपीओ समिट के लिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले जो वैकेंसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे जान लीजिए। आगामी अभी 22 अगस्त को मुख्यमंत्री 50 कंपनियों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, यही 22 अगस्त को, देख लीजिए डेट यहाँ पे बता दिया गया दोस्तों आपको, और शिलान्यास करेंगे। ये कंपनियां कुल मिलाकर झारखंड के 13,000 युवकों को नौकरी देगी, ठीक है। प्रदेश के अलग अलग कोनों में स्थापित हो रही है ये कंपनियां, जिसका शिलापट का मुख्यमंत्री ऑनलाइन अनावरण करने जा रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और आईटी सेक्टर की कंपनियां होंगी, और रूरल बीपीओ की भी कंपनियां बहुत सारी होंगी। तो जो भी कैंडिडेट यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या फिर आईटी से रिलेटेड है, वो जरूर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, कभी भी आपके लिए आवेदन मांगे जा सकते हैं। बीपीओ भी यहाँ पे आपको लॉन्च किया जा रहा है, बीपीओ भी, तो बीपीओ में कार्य करने के लिए जो इच्छा है यहाँ पे कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश पर आईटी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने कंपनी की सूची बनाकर शुरू कर दी है, जल्द ही इनके अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी की जगह सर्विस सेक्टर में अधिक से अधिक रोजगार देने वाली कंपनियों को चुना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अपने केंद्र के लिए परिसर या जमीन पा चुकी कंपनियों को उद्घाटन या शिलान्यास का मौका मिल चुका है,
और कंपनियों ने आईटी विभाग को संभावित रोजगार के आंकड़े भी सौंप दिए हैं। तो ये वो आंकड़े हैं दोस्तों, आप देखिए अब यहाँ कौन कौन सी कंपनियां हैं, अमेजन से लेकर TCS, विप्रो, इन्फोसिस तक। जी हाँ, झारखंड के आईटी सेक्टर की बात करें हम, अगर हम आईटी उद्योग की, तो निवेश करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि MNC कंपनी है, जैसे कि आपका अमेजन हो गया, से लेकर भारतीय आईटी की दिग्गज कंपनी TCS जो कि टाटा की कंपनी है, इन्फोसिस, विप्रो ने इरादे जताए हैं कि इन कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के प्रतिनिधि BPO समिट में मौजूद रहेंगे। तो जो BPO समिट हो रहा है उसमें रविशंकर प्रसाद जी को तो आमंत्रण दिया ही दिया गया है, प्लस में यहां पे इन सभी कंपनियों के भी जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनको यहां पे बुलाया गया है इस समिट में। मौके पर ही झारखंड में अपनी परियोजना की घोषणा कर सकते हैं टेक महिंद्रा, HCL, फ्लिपकार्ट, वोडाफोन, रिलायंस जियो, जेनपैक और एयरटेल ने भी प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई है। तो ये खबर है इन सभी कंपनियों का यहां पे आगमन का। तो इससे क्या होगा, इससे लगभग यहाँ पे रघुवर दास जी ने बोला है कि 13,000 वैकेंसी की उम्मीद जताई है अगले सत्र में। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन कुछ आएगा हम आप तक सबसे पहले इसकी चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। और ये जल्द ही, क्योंकि ये शिलान्यास होने के बाद, क्योंकि इनका सारा जमीन वमीन का काम क्रिया जो है वो हो चुका है, अब यहाँ पे जैसे ही इसका वैकेंसी आएगा, जैसे जैसे वैसे ऐसे हम आपको ये चीज़ें अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी भेजा गया है न्योता BPO समिट के लिए, और BPO समिट के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद को न्योता भेज दिया है। इस मौके पर ट्राई के चेयरमैन और RS शर्मा से भी भाग लेने का आग्रह किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक ओंकार राय भी इसमें शामिल होंगे। देखिए इतने बड़े बड़े लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पे इस समिट में, तो इससे फ़ायदा किसी और का हो ना हो पर झारखंड का फायदा जरूर होने वाला है। और दूसरे राज्यों के IT सचिवों को भी यहाँ पे समारोह में निमंत्रण भेजा गया है। हो सकता है कि यहाँ झारखंड में बिहार के भी जो IT मंत्री हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जाएं, वहाँ पे कुछ फ़ायदे दिखें, तो वो भी अपनी जो स्टेट है उनके लिए वहाँ पे निमंत्रण में कुछ आगे बढ़ाएं प्रोसेस को, ठीक है। 250 से अधिक BPO कंपनी के औपचारिक निमंत्रण भेजा जा चुका है। जी हाँ, ये 250 से अधिक अगर BPO यहाँ पे काम करेंगे, तो सोचिए उन BPO में कितने लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, कितने लोग काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 13,000 से भी ज़्यादा औपचारिक निमंत्रण भेजकर यहाँ पे इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने के काम किया जाएगा। दोस्तों झारखंड के गाँव में काम कर रहे BPO कंपनी भी इसमें शिरकत रहेंगी। तो ये एक न्यूज़ था दोस्तों, अपने इस न्यूज़ के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि लगभग 13,000 नौकरी जो है अब यहाँ पे झारखंड में आने वाली है। तो ये कब तक आएगी, तो ज़्यादा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक से तीन महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया होगी, क्योंकि BPO में अभी भी वहाँ झारखंड में हर एक बड़े सिटी की अगर बात करें तो वहाँ नियुक्ति जारी है, ठीक है, जैसा कि हमें पता चल पा रहा है। और अब ये सारी कंपनियों का सबमिट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे सबमिट होगा, इनके बैठक होगी, उसमें जो भी निर्णय निकल कर आएगा हम आप तक सबसे पहले शेयर भी करेंगे, और जो भी वैकेंसी यहाँ पे बताई जाएगी उस वैकेंसी के बारे में भी आपको सारा चीज़ क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये खबर तो थी निकली आपका झारखंड से 13,000 नौकरियों को लेकर। 50 कंपनियों की बात की जाए तो ये लिस्ट है दोस्तों कुछ कंपनियों की, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ अमेजोन के अलावा यहाँ पे जो IT सेक्टर की कंपनियों की बात कर लें तो वो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है झारखंड में, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनी, अगर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई तो सोचो कितने को रोजगार मिल जाएगा यहाँ पे। तो हो सकता है कि झारखंड का पूरा अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए यहाँ पे। जी हाँ, झारखंड जो है वो खदानों का ऐसे ही राज्य होता है, जहाँ पे अभी भी मैकेनिकल, सिविल, फायर, इन सब के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सब की नौकरी तो एटलीस्ट वहाँ पे होती ही होती है। अब यहाँ IT सेक्टर भी इंक्लूड होने जा रहा है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है झारखंड के इस सरकार के द्वारा, जो कि रघुवर दास ने इस समिट में सभी को न्योता देकर ये आगाज़ कर दिया है कि 13,000 नई भर्तियां जल्द ही आपके राज्य में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जैसे ही वैकेंसी आएगी सबसे पहले खबर हम आप तक जरूर करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ पूछता है और ये न्यूज़ पक्की है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और कहिए कि तैयारी में रहें, कभी भी आपकी किस्मत के चाबी
किस्मत का ताला जो है किसी भी चाबी से खुल सकती है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।